आपने शायद देखा होगा, एक जिहादन ने आज एक मुद्दा चलाया, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, कि कैसे, जरा से इसको सुन लीजिए। साथ इतना खराब सलूक हो रहा है, टीवी में अतीक अहमद को क्रिमिनल बताया जा रहा है, क्या ऐसी गद्दी समाज की कोई भावनाएं नहीं है जो आहत होंगी, या सिर्फ कि ललित मोदी और इसके अलावा नीरव मोदी के केस में ही भावनाएं आहत होती हैं? अगर मोदी समाज को ओबीसी होने की वजह से ये प्रोटेक्शन हासिल है कि देश का सबसे बड़ा विपक्षी नेता, उसकी सांसदी चली जाए, उसकी मेंबरशिप चली जाए संसद की, तो अतीक अहमद के साथ ये सलूक करने पर भी तो कुछ होना चाहिए। अतीक अहमद के साथ जिस तरह मीडिया बर्ताव कर रहा है, क्या अतीक अहमद को ये संरक्षण हासिल नहीं है जो ओबीसी होने के? कि कितनी लज्जा नहीं आती होगी सर, ये पत्रकारिता के नाम पर इन जिहादनों ने जो खेल बचा रखा है सर। नहीं मनीष जी, अब इससे ज्यादा नंगे ही ये, इससे ज्यादा नंगापन हो कुछ नहीं सकता। ये कितना जहर भरा हुआ, कितनी इसमें मुस्लिम सांप्रदायिकता के साष्टांग संक्रमित है ये अतीक अहमद के लिए इसके प्राण निकले जा रहे हैं खुले। मेरे ख्याल से इसको बता दे, इसको आज ट्विटर पे मैसेज भेज दिया जाएगा कि अगर कोई तुम्हारे लड़की, तो अतीक के 5 लड़के हैं, उनमें से एक लड़के को भी, दो तीन लड़कों को पुलिस बहुत परेशान कर रही, तो तुम एक बार उन लड़कों से अपनी लड़कियों का निकाह कराओ। तुम सम्मान दो, उत्तर प्रदेश की जनता तो सम्मान देने के मूड में है नहीं, ना पुलिस ना सरकार। तो ये आरफा खानम के लिए सबसे बेहतर होगा कि अपनी लड़कियों का ब्याह उसी अतीक अहमद के लड़के, तो खासकर जिसको पुलिस ढूंढ रही, उससे उसके साथ कर दे। तो ये एक तरह से इसका बड़ा विरोध भी दर्ज हो जाएगा कि हाँ, मोदी सरकार और योगी सरकार की विरोधी है। मनीष जी, देश इस औरत को क्या कहा जाए इस, और ये जरा दर्शक जान ले कि इसने जो है यूपीए शासन में हामिद अंसारी के उसमें लाखों रुपए महीना ये नौकरी करती थी राज्यसभा में, इसको नौकरी मिली हुई थी नौकरी राज्यसभा में, और इतनी ढीठ थी कि ये यही काम तब राज्यसभा में भी बैठ के करती थी, 2017 तक करती थी, क्योंकि तब तक ये हामिद अंसारी ही राज्यसभा का यही टीवी सर्वे का सर्वासर मालिक, थी, यही चयन करती थी, एंकरों का, यही संपादकों करती थी। का, सब कुछ इसी के हाथ हाँ में था। यही था। और ये अब ये देखिए कि ये आस्तीन के सांप, आस्तीन के सांप कौन होते हैं, ये लोग है। मतलब इस समय मनीष जी, बेशरम से बेशरम आदमी भी, जो समाजवादी पार्टी बड़ा नाचा करती थी, जिसने टिकट दिया था अतीक अहमद को, वो भी उसकी, अब इसकी सजा सुनाए जाने के बाद मुंह छुपाते घूम रहे, कह रहे बड़ी खुशी की बात है कि अतीक को सजा दी गई। और ये बेशर्मी भी, ये अब तक उतरी हुई, तो समझिए ये वो लोग हैं इस हिंदुस्तान के, कि अगर कभी पाकिस्तान से युद्ध हो जाए तो ये अपने घर से भारतीय सेना के, और तो कुछ इनका बस नहीं, ये पत्थर फेंकेंगे भारतीय सेना के ऊपर। ये वो लोग हैं, ये इतने ज्यादा पाकिस्तान परस्त, मुस्लिम परस्त, कट्टरपंथी सांप्रदायिक लोग हैं, जितने जहर से संक्रमित हैं कि ये गुंडे के गाना गाने लगी, गुंडे के गाने का गाला गाने लगी है, जैसे क्या कहूं आप। बिल्कुल सर, और ये उम्मीद योगी जी से की जा सकती है कि इसने खुलेआम एक तरह से यूपी में दंगा कराने की कोशिश की है इस बयान से।